Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, पर मैंने अपनी ईमानदारी के साथ ये 4.25 साल अपोजिशन जो इशूज हैं उसकी किए, उसमें कई मरतबा ऐसे इशूज भी आए जिसमें तकरीबन पीटीआई असेंबलियाँ छोड़ चुकी थी, मगर उनको समझा कर के बताया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है, ना तजर्बेकारी थी उनके पास, वो कहते थे कि रोडों पे निकलेंगे सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, हम सब ने, चौधरी एतराज ने, हमने, कि भाई पार्लियामेंट्री एक ऐसा सतून है जो इस मुल्क को मजबूत कर सकता है, और हम अपोजिशन जब एक हैं हम अपना प्रेशर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर देखो और उसके ऊपर, उस प्रेशर ने आपने देखा कि बहुत सी बड़ी चेंजेस भी आई। उसके बाद फिर एमक्यूएम ने भी एक ऐसा काम किया, उनको भी समझाया, फिर गवर्नमेंट को भी हमने समझाया कि जी ये नहीं चलेगा, आप उनके इस्तीफा मंजूर ना करें। तो ये मेरा रोल रहा और इशू रहे, स्पीचेज रही, जो जो मौका मिला मैंने विद्या को भी दिया, मशवरे उनके साथ करता रहा और अभी भी किया है चेयरमैन नैब के ऊपर। चेयरमैन नैब हो या प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन, उसका तरीक़ेकार पार्लियामेंट का है। उसका तरीक़ेकार यह है कि नैब चेयरमैन पे लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के बात करेंगे, गवर्नमेंट 3 नाम देगी और उसमें हमें डिस्कस करेंगे, मगर मैंने ये रवायत डाली कि नहीं, गवर्नमेंट क्यों दे, हम भी देते हैं, हमारे नाम पे होना चाहिए। रियल अगर आप इसको समझते हैं कि इसकी हमें नैब का बंदा सही मिलना चाहिए तो उस पर काफ़ी डिस्कशंस होती है, मगर इसका तरीका ये है कि अगर इन केस अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे पे बंदे के ऊपर राजी नहीं होती तो फिर एक कमेटी है जो 12 रुकनी कमेटी है पार्लियामेंट की, जिसमें 4 जो हैं वो सेनेट से हैं मेंबर और 8 जो है वो नेशनल असेंबली से हैं, वो मिलके और उनकी अक्सरियत 50-50 होती है, 6 गवर्नमेंट 6 अपोजिशन। अगर 4 वहाँ से हैं तो उसमें 2 गवर्नमेंट होंगी, 2 अपोजिशन होगी, 8 यहाँ तो 4 अपोजिशन होगी, बाकी वहाँ पे वोट होता है। नेचुरली गवर्नमेंट और अपोजिशन बराबर है, और बीच में से कोई एक भी टूट गया, गवर्नमेंट का उधर आ गई तो वो अपनी मर्जी से 7 मेंबर, वो मेंबर जिनको वो अपोजिशन चाहती है वो आ जाएगा। अगर अपोजिशन का एक मेंबर टूट के गवर्नमेंट के पास चला गया, जो गवर्नमेंट चाहती है वो आ जाएगा, बस फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर इन केस दोनों पे बराबर आ जाते हैं तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर में, और अगर वो नैब में दोनों पे बराबर हो गए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर वो ये समझते हैं कि लीडर ऑफ, अच्छा इसमें तकरीबन 3 मेंबर पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है नेशनल असेंबली में, हमारे पास 47 वोट है अपने, और पीटीआई के पास इस वक्त 27 वोट है, या 28 हो या 27, 5-6 मेंबर उनके साथ नहीं है, तो उनका 1 मेंबर है, एमक्यूएम का 1 मेंबर है कमेटी में, पीपल्स पार्टी के 2 मेंबर हैं नेशनल असेंबली से, सेनेट से भी 1 मेंबर हमारा है, 1 मेंबर एएनपी या जिसकी नंबर 2 ऑफिसर है, तो हमारे 3 वोट हो जाते हैं। इन केस जो जिनको शक है कि पीपल्स पार्टी मिलके गवर्नमेंट से मिलके ये बात करेगी, तो 6 गवर्नमेंट के 3 हमारे हैं अगर, तो 9 हो गए, फिर भी कर सकते हैं, मगर ये बदयानदारी पीपल्स पार्टी तो नहीं करेगी कौम से कि मिलके हम गुड्डी गुड्डी का गेम खेले, या प्राइम मिनिस्टर पे भी मिलके गुड्डी गुड्डी का, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक या आईनी तरीका यही है
कानून के मुताबिक जो आपने पूरी जेल बताई, जो वो जा रहे हैं हाँ, कि हम अपनी मर्जी नहीं होगा, वो जो चाह रहे हैं वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इस पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करें। देखें मेरी रिकॉर्ड पे बात है, मैं माफी के साथ, क्योंकि दिल आजारी नहीं करना चाहता, मैंने हमेशा कहा है कि पीटीआई के एक्शन ने, पीटीआई के लीडर के एक्शन ने हमेशा नवाज शरीफ को मजबूत किया है। डिवाइडेड अपोजिशन स्ट्रांग करती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वो तो कोर्ट ने किया ना, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। वो कोर्ट ने किया, इस बात में मैं तो जाऊंगा ही नहीं ना, केस कोर्ट में चल रहा है। अब अगर ये लोग ये मूव कर रहे हैं तो पहले तो मेरी राय ये है, मुझे तकलीफ होती है क्योंकि सियासतदान के कोल और फाइल में फर्क इतना नहीं होना चाहिए। अगर सियासतदान के कोल और फाइल में फर्क हो तो वो कौम की क्या खिदमत करेगा, लीड कैसे करेगा? दुनिया के लीडर जो है वो 50 साल पहले देखते हैं। भुट्टो साहब ने जो जो पेशन गोलियां की, जो जो बातें की थी पाकिस्तान के लिए कि मेरे शहादत के बाद ये ताकतें स्ट्रांग होंगी, ये तबाही होगी, उनका था हमारे लिए भी फिर रोएगा, तो वो चीजें नजर आई। ये तो देखना ये है कि जो मौकफ पीटीआई का एमक्यूएम के खिलाफ मुसलसल रहा है, जो हिस्टोरिक स्पीचेस है इमरान की, जो एमक्यूएम के लिए उसने कहा है और क्या कहा है, उसकी तो कम से कम उनसे माजरत कर लेना फिर जाए। कम से कम उनकी दिल आजारी जो बेचारों की, कराची वालों की हुई है या उनके वर्करों की हुई है या उनकी तंजीम की हुई है, कम से कम इतना ही इमरान कह दे कि हमसे जो गलतियां हुई हम उनके माजरत खवा हैं, उनकी जो दिल आजारी हमने की है, हुन खबर आई है कि खिजर साडा भाई है। ये कल ये लोग मिल के सवाए सिस्टम को खराब करने के इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास एक क्लियर एजेंडा है कि ये सिस्टम चलता रहेगा, पार्लियामेंट चलती रहेगी, अपना टेन्योर पूरा करती रहेगी और ये सिस्टम मजबूत होने से ये पाकिस्तान मजबूत होगा। ये मुल्क में जो बेरोजगारी है, अफरा तफरी है, दहशतगर्दी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो, एक्सपोर्ट नीचे गिर चुकी है, इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है, रिलाय हम ज़्यादा कर रहे हैं, ये सारी इस वजह से है कि अंदर से हम खोखले हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं, पार्टियां आपस में गुथम गुथा है और उसका सफ़र इस मुल्क का आवाम कर रहा है। ये मेरी एक सिंपल सी बात है, आप सवाल पूछें। मैंने आपको आप गवाह है, आपकी कैमरा आप गवाह है, मैंने कहा नवाज शरीफ को आना चाहिए, वो आएंगे और उनको आना चाहिए और आके केसेस को फेस करना चाहिए, ये मैंने रिकॉर्ड पे बात की। और जो सियासतदान अदालतों और इंसाफ से भागता है वो बहुत खतरनाक नताज फिर देखता है और फिर वो गायब हो जाता है, उस सिस्टम से गायब हो जाता है। आप हमेशा कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया तो नुकसान उठाया, तो शायद अभी भी मियां साहब ने आपके मशवरे पर अमल किया तो वापस आ गए। मेरा मशवरा ये होता है, मेरा मशवरा किसी शख्सियत के लिए नहीं होता, मेरा मशवरा मुल्क के निज़ाम के लिए होता है। और मैंने हमेशा वो बात की है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के लिए बेहतर हो। मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपनी आंखों से भी देखा है, 30 साल ये सिस्टम है, 20 साल से पहले मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी सियासत को अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में 50 साल हुए, तो मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी डिक्टेटर को देखा है, कोड़े खाए हैं, तकलीफें काटी है, जेलें काटी है, इकदार देखा है, मुखालफत देखी है, उन सारे चीज़ों का निचोड़ जहन में आता है और फिर बात करते हैं, समझ में आती है कि क्या हो रहा है।
यार मुझे डील का पता होता सबसे पहले मैं बताऊं, ये सिर्फ आपको इमरान बता सकता है कि डील है या नहीं है। गवर्नमेंट तो इस वक्त अंडर प्रेशर में है, नवाज शरीफ नए प्रेफरेंसेस, क्या पीटीआई और एमपीएम मिलके जो आपको हटाने की बात कर रहे हैं आपको भी अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं ताकि जो मुस्तकबिल में कोई सेटअप बने निगरान या वो, तो कोई इस किस्म की बात ना हो जो अपोजिशन की बाकी पार्टियों को कबूल ना हो, आपको प्रेशर में लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। जान मोहम्मद, कानून में तो गुंजाइश आप बता रहे हैं कि ऐसी नहीं है। जान मोहम्मद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो गुंजाइश है ही नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गुंजाइश है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, कानून के आर्टिकल 63A1 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल रोमन 2 में बड़ा क्लियर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस पर अदली अक्सरियत का सिस्टम है, वो हमारे पास है, वो थी, हमने दिखाया था। अब अचानक ये उठे, पहली बात मैं सखर में कितने दिनों से हूँ, 5 दिनों का मुझे, और मैं रहूँ इधर ही। अगर मैं प्रेशर में होता, मेरी लीडरशिप दुबई में है, तो मैं इस्लामाबाद बैठता, भाग दौड़ करता, मैं आपके साथ बड़ा स्मूथली आराम से बैठा हूँ। ये कोई परमानेंट चीज़ें नहीं होती लीडर ऑफ अपोजिशन, इंसान की शख्सियत होनी चाहिए, इंसान के लिए लोगों के आंखों में एहतराम होना चाहिए, और दोगले आदमी को नहीं होना चाहिए कि आज मैं ये हूँ फिर अपने मफाद के खातिर जाके दूसरों को पाँव पड़ूँ, ये आके अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। एमक्यूएम को जितना इन लोगों ने बुरा कहा है, उनके घर पे आज जा रहे हैं कि हमें वोट दे दो, हमारे साथ आ जाओ। तो कल या एमक्यूएम सही थी या इमरान सही था, इमरान सही था तो एमक्यूएम गलत थी, तो इतनी गलती वाले बंदों के पास, ऐसे मुल्क दुश्मनों के पास, ऐसे लोगों के पास जिनके लिए इतने क्या क्या नहीं कहा, रिकॉर्ड मीडिया को दिखाना चाहिए इन चीज़ों पे, आज उनके घर पे जा रहे हैं, क्या करें, अपना थूका हुआ चाटने जा रहे हैं। सखर में खुर्शीद शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगु कर रहे थे, जिसमें उन्होंने तहफ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास क्लियर एजेंडा है, पीपल्स पार्टी की नेशनल असम्बली में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और